Assalamu alaikum. This is Sama Lounge. Welcome to the Sama Lounge. I'm your host, Bazal Mushtaq. Today we have our guests, Muhammad Yusuf, Mushtaq Ahmed, and Shahid Afridi. And we're going to have a quick discussion and sneak peek into their lives. If you weren't a cricketer, what would you be cricket? But let's say the truth. Please. Okay. I think I'm definitely an actor. I think मुझे एक्टिंग का शुरू में शौक था मैं सच बोला ना आपने इसलिए तो तालियां बजाई थैंक यू वेरी मच आई थिंक मकसद क्या है अच्छा अच्छा अभी एक्टिंग करता हूं नहीं ऋषि भाई आप सही कह रहे हैं वो यूसुफ सही कह रहा है आपके अंदर बहुत जरासीम पाए जाते हैं एक्टरों के अच्छा अच्छा आप एक आर्टिस्ट होते हैं कौन आर्टिस्ट होता आई थिंक सो मेरा ख्याल बजल मैं आर्टिस्ट होता अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती अगर रहने वाला गाँव का था गाँव के रहने वाले का मतलब ये है कि मैं जब एक बंदा गाँव में रहता है मेरे रिसोर्सेज कोई नहीं थे वाले साहब बहुत गरीब थे मतलब घर में कुछ इतना नहीं था रिसोर्सेज नहीं थे क्रिकेट पे मेरे एक मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया था अगर क्रिकेट का प्लेटफॉर्म ना मिलता तो मैं मजदूरी की तरफ मेरा कॉन्सेप्ट था सच्ची बात बता रहा हूँ जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं कि वाले साहब ने कहा था दो तीन साल के अंदर अगर तुमने कुछ ना किया ना मारे मूरे खाने के बाद फिर तुमने आगे बेटा मजदूरी करनी है पढ़ते लिखते हो नहीं तुम तो फिर उस वक्त मुझे मेरे पास चॉइस कोई नहीं थे देन आई डेडिकेटेड अगर लड़के एक बजे चार बजे प्रैक्टिस पे आते थे आई यूज़ टू गो 1 o'clock और अकेला बॉलिंग करता था तो इस एलिमेंट में फन एलिमेंट के अंदर ना एक्टिंग के अंदर आपको वो एक्टर भी याद रखना चाहिए जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी ज़िंदगी गुजारता है बट आपके वालिद साहब सपोर्टिव थे आपके क्रिकेट को लेके पहले नहीं बड़ी जूतियाँ पड़ी हैं मुझे शायद पता क्या था यूसुफ मुझे अल्लाह की कसम मुझे ना फर्श पे बांध के ना चप्पल उतार के रस्सियों से बांध देते थे कि बेटा पढ़ लो मेरी तरह मजदूरी ना करना क्योंकि मैं बहुत काटे थे काटे ही कहते ना गाय के बच्चों को काटे ये नहीं क्यों ओके तो हाँ बस ये था कि अल्लाह का शुक्र अपॉर्चुनिटी मिली तो यू नो अल्लाह ने बड़ी जल्दी मौका दे दिया सही सो यूसुफ भाई आप बताएं व्हाट अबाउट यू अगर आप ना होते क्रिकेटर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैंने वैसे काफी मर्तबा बताया अगर मैं ना होता तो मैं ऑलरेडी टेलरिंग का काम सीख रहा था मैं सीख गया था कपड़े काटने में सीख गया था सही वो तो हमारे एक टीम थी यूनिवर्सल क्लब थी उनका एक लड़का कम हो गया सही और मैं हाले 5-6 महीने क्रिकेट नहीं खेला हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा आके कि मैं उन्होंने कहा ये लड़का हमारा कम हो गया बड़ी बात है यार वैसे अल्लाह तो मैंने कहा ये 5-6 महीने हो गए मैंने बैट को हाथ नहीं लगाया तो मैंने कहा हमने भी लड़के पूरे करने हैं बस और पूरे इसलिए करने को खेलने वाला है वो टूर्नामेंट का मैच था नेशनल बैंक के साथ था इधर क्रिकेट सेंटर में तो वो मैंने कहा अच्छा मैं अपने घर वालों से पूछना मुझे मेरे घर वालों ने कभी मना नहीं किया था काम के लिए भी मैं खुद गया था उन्होंने ही कहा था वो मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया लेकिन बड़े मुश्किल आए जैसे आप कह रहे हैं इस तरह हमारे भी हालात बहुत मुश्किल थे तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें पता था मुझे शौक होने का नहीं एक दिन चले जाओ कोई बात नहीं मैं चला गया उधर गए तो उन्होंने पूछा कि किस नंबर पे खेलेंगे मैं 6 महीने से खेला नहीं हूँ अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो किस पे भेजना है पहली बारी थी हमारी उन्होंने मेरा 5वां नंबर लिखा हमारे 30-40 पे 3 आउट हो गए मुझे नहीं पता कहाँ से स्कोर हुआ मैंने 125 किया है उस मैच तो वहाँ पे वो बाबर बट शायद जानते हो वो हमारी क्लब के थे यूनिवर्सल उसको पता चला उसने फिर मुझे वहाँ ऑफर की कि आप इंग्लैंड चलोगे लीग खेलने मैंने ये और क्या चाहिए क्यों नहीं जाएंगे मैंने फौरी हम ही पर और फिर मैं लीग खेलने गया और अफरीदी भाई आप मैं अच्छा मैं क्रिकेट वाले साहब टोटली जिस तरह मुशी भाई ने कहा टोटली अगेंस्ट बहुत मारे खाई है वाले साहब से मैंने क्रिकेट के हवाले से कहते पूरा दिन जाते हो काले होके आ जाते हो घर वापस कराची और करते कुछ नहीं हो ये वो तो खैर क्योंकि मारे बहुत खाई और जुनून की हद तक प्यार था मुझे क्रिकेट से इमरान भाई हमारे रोल मॉडल थे उन्हीं को दिन रात ख्वाबों में देखते थे और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते थे लेकिन वो जो पैशन था वो इतना ज़्यादा था कि हमने मारे बर्दाश्त की और क्रिकेट को ही मैंने सामने रखा दूसरी जो ऑप्शन थी वो मेरे पास फिर फौज की थी क्योंकि मेरे फैमिली में आर्मी की तरफ लोग या बिजनेस की तरफ लोग ज़्यादा हैं तो मेरा सेकेंड जो ऑप्शन थी मेरे पास आर्मी और आपको पता है शायद अंकल जो फास्टेस्ट 100 किया है वो क्या हुआ था सीन पता है क्या? लोगों को मैं बताता हूँ मैं इंजर्ड हो गया 96 में अब शाहिद अंकल जो थे वो खेल रहे थे शाहिद खेल रहे थे उधर शाहिद उनके अंकल हैं आप चाचा आपके तो अंकल नहीं हो ना उनको अंकल बोलना है ना सॉरी दादू जी उनको बोल रहे वेस्ट इंडीज में अंडर 19 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था इन्होंने वहां से मेरे सारा कप का हुआ फाइनल में मैंने 5 विकेट ली मैन ऑफ द मैच हुआ हमने मैच जीत गए
अब मुझे इन्होंने जाना था कीनिया, कीनिया में जो था ना बजल, उसमें ना मेरी इंजरी हो गई, मैं और इंजमाम के ऑपरेशन हुआ तो हम उधर ही रुक गए। तो पता चला जी एक लड़का है अंडर 19 से वेस्ट इंडीज़ में, उनको लेग स्पिनर बुलाया है, और अगले दिन नदीम साहब है मेरे दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने कहा कि फ़ोन करके कहा मुबारक हो। तो 11 बजे मैं उठा तो मुझे फ़ोन करके कहा मुबारक हो, वो शाहिद अफरीदी एक लड़का है, उसने फास्टेस्ट 100 कर दिया पाकिस्तान का, क्या दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो मैंने कहा वो तो फिर बैट्समैन है तो उसको मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हो। कह रहे वो एज ए लेग स्पिनर आया था और लेग स्पिनर आया है तो अब वो 100 कर गया तो मुबारक तुम्हें ये हो कि वो बॉलिंग भी कर लेते ना और बैटिंग भी कर लेते। तो अब ये सारा सिनारियो जो उसको मुझे पता चला ना, तो मुझे कोई खड़े मैं पंजा लाया है, 5 विकेट लिए होते ना जिस बंदे ने, उसको कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। फिर यही सीन टेस्ट मैच में हुआ, मेरा घुटना फिर खराब हुआ पेशावर में जो आप बात कर रहे थे, उसके बाद शायद को उन्होंने कराची कराची में खेला तो उसमें भी 5 विकेटें ली, और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब सिर्फ टेस्ट मैच पे फोकस करता हूँ क्योंकि वाइट बॉल के इसके ऊपर शायद ने मुझे मौका नहीं देना। सो यू नो ये चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की निशानी होती है, ही ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। अपॉर्चुनिटी की जो मुशी भाई ने बात की है उसमें लाजमी, क्योंकि यूसुफ यहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ है, आई थिंक के मुशी भाई ये भी एक बड़ी बात थी क्योंकि यूसुफ नया नया आया था और हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप थी। उस बैटिंग लाइनअप में अब जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात थी, तो मेरे ख्याल में वही वाली अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि यूसुफ को अपॉर्चुनिटी मिली और उस टीम के होते हुए, उन बैट्समैनों के होते हुए अपॉर्चुनिटी को अवेल करना असल चीज़ वो है। अपॉर्चुनिटी अल्लाह सबको देता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको अवेल करते कैसे हो। बिल्कुल, आपको बैटिंग का कोई शौक नहीं था शुरू से? था, मैं डरता था, मैं डरने लग गया था, पता है मुशी भाई ये आदत आपकी घर से हो गई थी शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले ही डरता था गेंद से। ये मैं आपको बताता हूँ, एक ससेक्स का काउंटी मैच था, ससेक्स काउंटी में जब ये खेल रहे थे, तो ये स्टेडियम में जा रहे हैं बैटिंग करने, इन्होंने अपनी फैमिली को बड़ा मतलब ना कॉन्फिडेंस के साथ फैमिली की तरफ बैट किया, देखा गए हैं बैटिंग के शुरू हुए हैं और पहली बॉल पे आउट और उसी तरह वापस भी आ गई है। अब नहीं, वो जो शायद अंकल शायद कह रहे हैं जिन्हों, वो कह रहे हैं कि मैं घर में डरता हूँ, मुझे घर में डरते देखा है वैसे आपने? जब ये सोया होता है उस वक्त नहीं देखा। आप वैसे देखे मुझे? आई डोंट थिंक सो। ये रूमर्स है ना, रूमर्स है ना, रूमर्स है ना। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत, तो मेरे ख्याल से हर किसी को डरना चाहिए, वो इतना थोड़ा बहुत ना, की टू अ गुड मैरिज, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, यस, बस ज्यादा ना बता ना देना। बजल की तो अभी शादी का प्लान है ना? हाँ, अभी कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ। सोच लो और कर भी लो, पहले सोचना ज्यादा जरूरी है ना। अच्छा यूसुफ भाई, आप बताएं कि आपको जिस तरह आपने बताया आप टेलर थे, आपने क्रिकेट में सीख रहा था यार, कपड़े ना सवाना शुरू है लोग आप सीख रहे थे आपका क्रिकेट में, बट ऐसा क्या एक पॉइंट था लाइफ में जहां पे आपको लगा कि हाँ मैंने क्रिकेट ही खेलनी है? नहीं, मैंने अभी बता दे कि मेरा तो कोई ऐसा, मेरा कोई इरादा या कोई ऐसा दिमाग में भी था मैं पाकिस्तान खेलूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी, जैसे शायद ने भी बताया कि वो टीम इतनी बड़ी होती थी उस वक्त, प्लेयर इतने बड़े थे कि उधर टीम के अंदर क्या फर्स्ट क्लास खेलना बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त। तो मेरा इस तरह का कोई जहन नहीं था, मेरा था कि मैं छोटी मोटी क्रिकेट जो खेल रहा हूँ वही था, फिर मैंने वो भी छोड़ दी। लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया हूँ, लीग खेलने का मौका मिला और वहाँ भी अल्लाह ने मेरे से रन्स करवाए। अच्छा, जो मुझे लेके गए थे वो कह रहे थे इधर तो 100 कर लिया, उधर करके दिखाना। वो अल्लाह ने वहाँ भी पहले मैच में 100 करवाया, वहाँ जाते ही हॉगार्ड और लक्ष्मण थे उस टीम में। अच्छा, लंका शायद लीग की बड़ी तगड़ी नहीं, ब्रैडफोर्ड लीग, वो ब्रैडफोर्ड लीग भी अच्छी लीग, वो बहुत बड़ी टॉप लीग, शायद तीन तीन चार चार लड़के खेले, चाहत तो होगी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। पाकिस्तान खेलने का मेरा उस वक्त भी कोई नहीं, लेकिन चाहत तो थी अगर स्कोर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा ना कॉन्ट्रैक्ट, और जहन ये था कि वापस नहीं आना। सही, तो स्लिप होने को था ना, बिल्कुल हालात ऐसे थे, कौन वापस आएगा, और पाकिस्तान में तो सोच नहीं थी मैं पाकिस्तान खेलूंगा। सही सही, लेकिन वो भी मैंने घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा वापस आ जाए। मेरे, मैं अभी जहाँ हूँ अभी, वैसे सबके लिए यही है कि जो जहाँ है अभी उनके वालदैन की वजह से होता है, उनकी कोई नेकी होती है, उनकी अच्छी चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से उनकी औलाद कहीं पहुँचती है। तो मैं तो ये कहता हूँ हर जगह, और मैं ऑब्वियसली सारे ही कहते हैं, हम लोग इसी वजह से यहाँ बैठे, मेरे वालदैन इतने बुरे हालात के बावजूद मुझे वापस बुला लिया था, हालांकि मैं गया था कि मैं वापस नहीं आना चाहता, मैं वापस आया। फिर मैं यहाँ एक मैच खेल रहा था, माजिद खान साहब ने वो टूर्नामेंट करवाते थे, जिमहाना कप होता था वो, 75 ओवर्स का था, 2 दिन का मैच। उसी दिन सईद भाई ने भी 194 किया था, तो मैंने उस मैच में 210 किया था, फर्स्ट क्लास में। नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, टूर्नामेंट हो रहा था जिमहाना कप। अच्छा, तो वहाँ वापडा के वो होते थे इकबाल साहब, वो अंपायर थे, वो हमारी क्लब के
लड़के भी थे और वापडा बहुत अरसे बाद क्वालिफाई किया था फर्स्ट क्लास में, उन्हें कोई नए लड़के चाहिए थे, उन्होंने मेरा नाम भेज दिया। ये मेरे मैं उस मैच के बाद मैं फिर सेकंड ईयर इंग्लैंड खेलने गया था तो मैं वहाँ चला गया, तो उन्होंने पीछे से मेरा नाम भेजा था। तो जब मैं दोबारा, मेरा यही जेन था कि मैं ना वापस आऊँ। अगस्त में मुझे इनकी कॉल आई इकबाल साहब की कि हमने आपका नाम भेज दिया फर्स्ट क्लास में वापडा के, आप वापस कब आ रहे हैं? मैंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं वापस आने का। उन्होंने कहा भाई हमने तुम्हारा नाम भेजा हुआ है फर्स्ट क्लास में। मैंने कहा मैं वापस आके मैं क्या करूँगा, फर्स्ट क्लास कुछ भी कर ले, मैं कौन सा टीम में आए ना। उन्होंने कहा नहीं हमने नाम भेजा, आप अपने घर वालों से बात करें, किसी से मशवरा करें। मैंने फिर घर वालों से बात की, उन्होंने बेटा कोई मसला नहीं तुम वापस आ जाओ। सही, मैं आ गया। उसी साल में मैं 6 या 7 मैच खेला था, मैं पाकिस्तान टीम में आ गया था। वो एक मैच लाला भी खेला था, 2 मैच वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे ना, उसमें मैंने दोनों में हाईएस्ट किया था। रन्स कितने थे? 39-35, ये हाईएस्ट थे। अच्छा, वो इंग्लैंड वो शारजा कप जीत के फिर वापस गई थी उस टीम। अच्छा। तो माजी खान साहब ने भी मुझे देखा हुआ था थोड़ा सा, तो वो बन गया था सपोर्ट थोड़ा मिल गई थी। हाँ, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो क्या सरफराज, अख्तर सरफराज, उस टूर पे अख्तर सरफराज चला गया था। और वो उसके बाद नेक्स्ट टूर जो बांग्लादेश का था, वो मुझे लेके गए और मैं शायद का रूममेट था। और अच्छा, बस फिर व्हाट अ डेज। नहीं, रूममेट साथ थे। मैंने इसको ना आती, जैसे एक जूनियर प्लेयर्स को ना समझाते हैं कि बेटा ये करना है, फैमिली प्राउड फील करा और ख्याल रखो उसका, ये वो, तुमने लंबी क्रिकेट खेलनी है, ये सारा कुछ। अच्छा, मैंने ये लेक्चर मैंने इसको समझाया। अच्छा, सारा कुछ ना। मुझे थोड़ी पता है कि मेरा अब्बू बन जाएगा देगा मुझे पता है, मैं तो इतने बड़े आदमी को जो काफी समझदार था उसको मैं समझा रहा था। क्या बात है, काका के साथ मेरा बड़ा, इसके साथ मेरा बड़ा जबरदस्त टाइम हर लिहाज से गुजरा है। हमारी नाराजगियां भी हुई है, लड़ाइयां भी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो होते हैं ना कि चीज़ें आपस में शेयर करने से कम्युनिकेशन जितनी बढ़ती है उतने मसले मसाइल आपके हल होते हैं, चीज़ें जो भी दिल की चीज़ों को क्लियर करने के लिए। लेकिन असल चीज़ है कि टाइम हमारा इतना खूबसूरत गुजरा, इसलिए उस टाइम में हम फैमिली के साथ टाइम कहाँ गुजारते थे, हम तो टूर्स भी होते थे, बड़े बड़े टूर्स होते थे हमारे। तो ओवरऑल हमने क्रिकेट हो गया, रजाक हो गया इनके साथ। बल्कि एक वो याद है, जब हम इंडिया में बैठे हुए थे एक जगह, वहाँ तो अक्सर पार्टी होती थी ना, वो जब 99 में गए तो मैं, सकलैन, अफरीदी, शुएब अख्तर, हम चारों बैठे हुए हैं। मैं तो बिल्कुल ही मैंने मैच खेला ही नहीं हुआ था इतना, ये लोग खेले हुए थे। अब शुएब भी एक आधा टेस्ट, एक टेस्ट खेला हुआ था, तो वो सकलैन से और अफरीदी से सारे तस्वीरें उतरवा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तो मेरे से तो क्योंकि मैं खेले ही नहीं हुआ था, तो शुएब अब देख रहा है। एक बच्चा शुएब की तरफ आ गया, कह रहा है आप कौन है? शुएब को कहता है शुएब। अच्छा, शुएब को आओ बता ना पूरी, फिर एक्टर अख्तर, शुएब एक्टर, एक्टर कह रहा जान जाओगे। अच्छा, उसके बाद बाकी लोग जान गए थे, कलकत्ता में ट्रेविट को आउट कर दिया, सचिन को आउट कर दिया था, फिर शुएब अख्तर था। तो काफी अच्छा मारा। ड्रेसिंग रूम में भी होती होंगी लड़ाइयां लुड़ियां? बहुत बहुत लड़ाइयां, प्यार मोहब्बत हर चीज होती थी, इसलिए कि यार घरों में होती है, आपके बहन भाइयों में होती है, तो हम तो रहना उठना बैठना खाना पीना और कहाँ जाते हैं। हमारे यही लड़के थे, यही वो लड़के थे जो ग्राउंड में आपके लिए जान मारते थे, पाकिस्तान के लिए एफर्ट करते थे, सारा कुछ। मगर ग्राउंड में बहुत कुछ होता था, अफरीदी जो सकलैन बॉलिंग कर रहा था, जो करता था कैसे बताएं जी, नहीं बता सकता। हम लोग फील्डिंग में 4-5 हल्के थे ना, मैं, अब्दुल रजाक, सईद भाई, बुकार भाई, सैकी, ये 5 अब खड़े हो एक जगह, तो एक दफा कवर में खड़े थे हम, तो वसीम भाई बोलेंगे रुक गए, कह रहे हो दीवार खड़ी बॉल कैसे जाएगा। आप अभी जब आप लोग नए नए क्रिकेट में आए थे, मतलब आप गांव से आए थे और एकदम से इतना फेम मिला, तो वो वाला तो कुछ स्टोरी पूछ रहा, आप एक कोका कोला वाली स्टोरी बताते हैं कि वो अंडर 19 में ना, अंडर 19 में पता क्या हुआ, अंडर 19 में ना हमारी एक कुछ दो लड़के गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो अब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं अंग्रेजी का आता। तो मैनेजर साहब ने कहा कि जी जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करनी है ना, वैसे ये मैनरिज्म के मुताबिक ये उन्होंने अच्छी चीज़ सिखाई थी कि रूम सर्विस से कहना है कि जी जो मंगवाना है प्लीज़ एंड थैंक यू का अल्फाज आपने दोनों इस्तेमाल करने हैं। तो वो हमारे जो रूममेट थे, तो वो एक दोस्त आया इंग्लैंड में उसका, तो दोस्त को कहता हाँ अभी क्या पियोगे, की पिएगा, उन्होंने कहा यार कोक मंगा ला, तो इसने रूम सर्विस में टक टक फ़ोन किया, उसने कहा कि हेलो 2 कोका कोला प्लीज, क्योंकि प्लीज और थैंक यू बोलना, रिमेंबर दिस,
कोको कोला थैंक यू प्लीज बोलना, मैनेजर ने कहा जरूरी है यहाँ पे, टू कोको कोला प्लीज। तो अब वो नॉक हुआ दरवाजा टक टक, वो वेट्रेस आई लड़की, तो वेट्रेस ने ऐसे अपने ट्रे हाथ में पकड़ी हुई थी ऐसे, तो उसको अंदर खींचा उसने, दरवाजा अंदर है तो वो अंदर लेके आई। तो अब वो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, अब वो कोक की ट्रे ऐसे पकड़ी हुई, दो कोक है उसके अंदर, तो वो गोरी आई अंदर, वो जो वेट्रेस थी, तो उसको कहता है सिट डाउन। वो बेचारी ऐसे ट्रे हाथ में पकड़ी हुई और वो ऐसे बैठ गई कुर्सी पे, कहते नो 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 कोको कोला सिट डाउन, यू डोंट सिट डाउन, कोको कोला सिट डाउन। मगर सबसे बड़ा इस पूरी स्टोरी के पीछे पता मजा क्या है, हम घबराते नहीं थे कि मजाक उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा। कभी भी जिंदगी में जितनी भी यूथ सुन रही है, शाहिद हो गया, मैं हो गया, यूसुफ हो गया, या जितने भी हमारे कलीग्स हैं, हमने दुनिया में पाकिस्तान को 15-20 साल जो रिप्रेजेंट किया और पूरी जाके दुनिया में क्रिकेट खेले, जो बंदा गलती करने से घबराता है ना, वो कभी भी जिंदगी में कामयाब बन ही नहीं सकता, क्योंकि गलती आपको बड़ा करियर लीडर बनाती है। मुझे भाई वो क्या हुआ, तो मुझे नाइट क्लब के अंदर वो लड़की सिगरेट पी रही थी, तो आपने कहा ओ नॉट गुड यू ड्रिंकिंग सिगरेट, ये मजाक है यार। नहीं मेरा भी सवाल था, आर यू श्योर दैट वाज कोका कोला? नो 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 नो, दोपहर का टाइम था ना, कोका कोला चाय की सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है। ही इज जस्ट जोकिंग, ही इज नो ऑनेस्टली आई एम सीरियस। सही। अच्छा शायद भी आप बताएं कि आपका जो एक सेंस ऑफ स्टाइल है क्रिकेट का, वो काफी अग्रेसिव भी है बट एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग भी है बहुत ज्यादा, तो आप उसको मेंटेन कैसे रखते हैं, लाइक हाउ, लाइक यू स्ट्रेटजी होती है इसके पीछे, या दैट्स जस्ट हाउ यू naturally comes? मतलब मेरे लिए ना ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं एज अ बॉलर आया था, बैटिंग तो 8वें नंबर पे करते थे, तो वो तो अल्लाह ने एक रिकॉर्ड बनवा दिया था, फिर अपने आप को एज अ बैट्समैन, वो भी पाकिस्तान टीम का ओपनर बैट्समैन, अपने आप को मनवाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो मेरा जो स्टाइल था खेलने का, उसको बहुत से लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, या बहुत सारे कोचेज ऐसे आए जिन्होंने मुझे ठहराया कि रुक जाओ, थोड़ा आराम से खेलो, जल्दी ना करो। एक बॉब वुलमर के अलावा जितने हमारे पाकिस्तानी कोचेज आए, उन सब ने मुझे अपनी तरह खेलने का कहा। सही। तो मैं जब बैटिंग करने जाता था, मैं सोचता था कि यार मैं अपना गेम खेलूं या जो कोच कह रहा है वो करूं, अगर आउट हो गया जल्दी तो कोच मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा, ठीक है, बदतमीजी तो फौरन शुरू हो जाती थी। एक बॉब वुलमर ऐसा कोच था कि मैं अगर एक दो छक्के भी मार के आता था, वो कहता था और मुझे कहता था कि यार क्या शॉटें मारी है तुमने, जबरदस्त, तुम अपने स्ट्रेंथ पे रहो, यही गेम खेला करो, यही तुम्हारी गेम है। इसके अंदर बॉब ने मुझे इंप्रूव करने की कोशिश की कि थोड़ा इसको और पॉलिश करो, थोड़ा और इंप्रूव करो। उसने मेरा गेम चेंज करके मुझे दूसरे प्लेयरों की तरह खिलाना नहीं शुरू कर दिया। तो ये वो माइंडसेट था जिसकी वजह से मैं बहुत अरसा ग्राउंड में जब जाता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपना गेम खेलूं या मैं क्या करूं, तो इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा। तो मेरा क्या था, क्योंकि मेरी बैटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बॉलिंग के ऊपर मैंने दोबारा फोकस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एज अ बॉलर ही आया था मैं। तो मुझे 2003 के बाद जब विकी भाई कप्तान बने, तब मुझे 10-10 ओवर मिलना शुरू हो गए थे, उससे पहले 4 ओवर 3 ओवर एक आउट करता था, फिर साइड पे हो जाता था, तो कंटिन्यू मुझसे बॉलिंग कभी नहीं कराई गई थी। तो 2003 के बाद मैंने अपना ध्यान माइंड बना लिया था कि मैंने एज अ बॉलर ही अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करना है, बैटिंग कभी होते हैं कभी नहीं होते रन, तो मेन फोकस मेरा बॉलिंग। नहीं मगर शायद आपने टेस्ट मैचों में भी 100 किए और बड़ी मुश्किल पिचों पे किए, इंडिया में जो हमारा सीरीज हुई थी 99 की बात है यूसुफ, 99 में 100 किया था। अच्छा ये चीज़ें जो है ना, ये शायद वैसे ये जो लोगों को पता नहीं होता कई दफ़ा, कि जो स्ट्रेंथ के ऊपर से जो कोचिंग, स्मार्ट कोचिंग यही होती है कि अपने लोगों को स्ट्रेंथ से नहीं हटाना चाहिए, कभी नहीं हटाना चाहिए। और जब आपने फास्टेस्ट 100 किया था, उसमें सईद भाई वगैरह ने किसी ने मना नहीं किया, सईद भाई आपके साथ खेल रहे थे, हालांकि सईद भाई भी रोके जा रहे थे, और सईद भाई जैसे प्लेयर मुझे रोक रहे थे जो खुद नहीं रुकते, वो कहीं कह रहे रोके, वो उन्होंने बहुत दफा रोकने की कोशिश, आज भी अगर आप वीडियो देख लें, वो बार बार मुझे कह रहे हैं आराम से, भी जल्दी नहीं आराम से। अब वो जाहिर बात है मेरा एक बना हुआ था 360 रन करने थे हमें पहुंचने के लिए, तो 360 तो आराम आराम से तो नहीं होने थे, तो उसके लिए बस वैसे शायद जब ये वैसे मैं पूछ रहा हूँ, 37 बॉलों पे पहले दुनिया के प्लेयर थे आप, जो 100 आपने 100 कर दिया, मैच के बाद क्या फीलिंग थी वैसे? ऑनेस्टली मुझे तो फील ही नहीं था, सब आए ड्रेसिंग रूम में, सब ने मुबारकबाद दी, मैंने कहा हो गया होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, हम भी नए नए बच्चे थे मुशी भाई, हो गया होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब मैं पाकिस्तान गया हूँ वापस और जो एयरपोर्ट पर मैंने लोगों का हाल देखा, जो लोग आए हुए थे लेने के लिए, तो वहां से पता चला कि बाकी कुछ करके आया हूं मैं।
लोगों ने मंगवाई या टीवी पे चली। अच्छा ये जो बॉब रूमर की बात की है ना, एब्सोल्युटली वो बहुत जबरदस्त कोच था, इसमें कोई शक नहीं। मेरी बैटिंग में भी उसकी वजह से अल्लाह ने बहुत बेहतरी की। अच्छा हाँ, वो उसको आइडिया था, देखो खेला नहीं हुआ था इतना, लेकिन उसने जो उसको कोचिंग करने का जो आइडिया था, जो मैनेजमेंट थी, मैन स्किल थी उसके पास, वो शायद और किसी कोचिस के पास हमने नहीं देखी। मुझे 15 साल तो कोचिंग पढ़ी थी उसने। हाँ, वो कोचिंग पढ़ना 15 साल टोटली डिफरेंट जॉब, टोटली डिफरेंट बंदा था। और वो 2.5 घंटे में प्रैक्टिस करवाता था और सबकी 40-40 मिनट बैटिंग भी आती थी, बॉलिंग भी सारे पूरी करते थे। उसने जो प्लानिंग की होती थी शायद ही कोई कर सकता है। मुशीबाई टीम का वो फादर था। और सोचे हैं कि उस बंदे ने इंजी भाई जैसे बंदे के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। आपको पता है इंजी भाई का बुरी आदमी। अरे वो भी ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन का बन गया था। आप भी अभी कोचिंग में शुरू हुए, तो आपको क्या लगता है कोचिंग इज इट डिफिकल्ट? डू यू चूज कोचिंग और बी अ प्लेयर? कोचिंग इज अ वेरी टफ जॉब। जो अभी बॉब विल्मर और इंजी की बात कर रहे हैं ना, आई वाज असिस्टेंट कोच ऑल द टाइम। कुछ शाहिद को प्रॉब्लम होती थी ना, तो मैं इंजी को पहले ड्रेस कर देता था कि शाहिद इज नॉट फीलिंग ग्रेट, मेंटली उसको इश्यूज हैं, यूसुफ को इश्यूज हैं, प्लेयरों को इश्यूज हैं। तो इंजी को और बॉब विल्मर के दरमियान अगर कोई 19-20 बात होती थी तो आई हैव टू प्ले वेरी पॉजिटिव रोल। ये जो कोचिंग है ना, ये जिसमें शाहिद ने कहा मैन मैनेजमेंट स्किल होना बहुत जरूरी है, इसमें अपनी ईगो को मारना पड़ता है, अपनी मैं को मारना पड़ता है। मैं आपको PSL की मिसाल देता हूँ, सुहेल तनवीर को ना और जुनेद को, शायद भी वो मैच खेल रहा था, इन्होंने मैच हरवा दिया मुल्तान सुल्तान को। आखिरी 2 ओवरों में मेरा ख्याल कुछ 40 खा लिया, 2 ओवरों में 40 रन खा के मैच हरवा दिया, और जबकि पिच पे फंस रहा था गेंद। अब सारे एंडी सारे गालियां दे रहे हैं, गर्मी खा रहे हैं कि इनको इतनी क्रिकेट खेलने के बाद समझ नहीं आती, इंसान है ना, गलती हो जाती है। मुझे भी गुस्सा आ रहा था उस वक्त, मेरा दिमाग अल्लाह ने काम करवाया, मैंने कहा इस वक्त इसको जरूरत है मेरी, ये टाइम निकल जाएगा। वसीम भाई की मैं मिसाल दूं, मुझे तो वसीम भाई के अंदर कोचिंग वाला टेम्परमेंट नजर ही नहीं आया, PSL हुई हमारी। बिल्कुल वो उनके चेहरे से पता चल जाता है कि वो प्रेशर में आ गए या पैनिक कर गए या प्रेशर ले नहीं पा रहे, क्योंकि बेचारे वो डायबिटीज भी है साथ में। तो मुझे अब जरूरी नहीं जो बड़ा प्लेयर हो अच्छा कोच भी हो, कोचिंग टोटली डिफरेंट चीज है। लाला मैं अक्सर सुनता भी हूँ, अच्छा प्लेयर अच्छा कोच हो सकता है, लेकिन ये वाली चीज जो बात अभी मुशी भाई ने कहा है कि आप अपनी किट उतारे, अपनी चीजों पे कंट्रोल रखें, क्योंकि जब किसी को मार पड़े वो मार खाना थोड़ी जा रहा है, किसी आगे भी कोई बंदा अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, ये टाइम है अब उसको बैक करने का। ऐसा कोई रूल है क्रिकेट का जो आप लोग चेंज करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, चेंज करना है? रूल सबसे पूछ रहे अभी मैं वनडे में, मैं पता है मुझे वनडे बोरिंग क्यों लगना शुरू हो गया, इन्होंने इतनी आसान कर दी है, ये 2 नए बॉल 5 फील्डर अंदर, वो बॉलर्स को मार पड़ती रहती, वे बॉलर बेचारा हर वक्त तनकीद बॉलर्स पे होती, कोई दरमियानी चीज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि यूसुफ कह रहा है कि पिचेस भी बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी है, 2 नई बॉलें भी होती, 5 फील्डर अंदर, बॉलर रिवर्स स्विंग का मौका भी नहीं मिलता, तो थोड़ा सा सर्कल खत्म कर दे। सही, सर्कल को आप एक लिमिटेड ओवर तक कर दें। सही, तो आपकी कोई प्रेफरेंस है क्रिकेट फॉर्मेट की कि ये वाला फॉर्मेट ज्यादा बेहतर? क्योंकि मैं आई प्रेफर एज एन ऑडियंस T10 सुकून से 10 ओवरों में। तुम तो उठते ही बड़े लेट हो ना, तुम तो अभी उठो, तो जब उठोगे तो खत्म हो जाएगा मैच, खत्म हो जाएगा। लंबे चलर होते हैं, लाइक डू यू प्रेफर दैट? और अडैप्ट करना इजी होता है क्रिकेट फॉर्मेट में, या क्रिकेट ही है तो हर इजी सीन? देखिए मुश्किल तो होता है, टेम्परामेंट का बड़ा ताल्लुक है, और कभी बार इतनी क्रिकेट हो जाती है कि बंदा भूल जाता है कि T20 खेल रहा हूँ कि T10 की बैटिंग कर रहा हूँ। तो आई मीन के अपने आप को खुद एडजस्ट करना। देखिए अब क्रिकेटर्स की वो लाइफ भी नहीं रही, अब 20-25 साल वाले कैरियर्स भी नहीं रहे, अब शॉर्ट हैं, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन ये है कि गुड चेंज इज ऑलवेज वेरी गुड, ठीक है ना? आप ये T10 का फॉर्मेट है, ये अच्छा फॉर्मेट है, इसको आप ओलंपिक्स में लेके जाएं, क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराएं, या उन मुल्कों में लेके जाएं T10 को जहां लोग क्रिकेट को नहीं जानते, वो ज्यादा आधी 90 मिनट की फुटबॉल के गेम्स के। हां जी, तो ये 1 घंटे के अंदर ये भी T10 भी आपका खत्म हो जाता है। True. तो ये क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मेट है T10। ये T10 का जो आप कह रहे हो फॉर्मेट चेंज करना है, यू आर एन एक्टर ना, यू आर सिंगर, तो आपको कोई सूफियाना कलाम मिलेगा आप वो भी गाओगे, आपको कोई तेज गाना मिलेगा वो भी गाओगे, एक्टिंग करनी पड़ती वो भी करोगे। क्रिकेट भी ऐसे ही है, बड़ा प्लेयर वही बनता है जो हर फॉर्मेट के जाके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सही, आप लोगों का सबसे पहले दिल कब टूटा था लाइफ में? अच्छा उस वक्त और 99 वर्ल्ड कप जो हमारे हाथ से निकला उस टाइम मैं काफी सही
और आपका 99 के वर्ल्ड कप में बहुत 96 मैच जीता हुआ था इंडिया खिलाफ हमने, ऑलमोस्ट हमारी पार्टनरशिप लग गई थी वहां पे, दिल बहुत टूटा था। अगर वो जीत जाते ना वो मैच, सबसे तगड़ी टीम 99 की और 96 की थी। 96 आपका तो मेरे ख्याल से रोज ही टूटता होगा। नहीं 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 क्या मतलब, क्या हो रहा है? नहीं शायद आपका क्या सीन था वो सना जो बुच्छा वाला है वो उसका क्या ये क्या चल रहा होते कौन सना सना बच्चा हमेशा से मेरी बहनों की तरह रही है, बहुत ही खूबसूरत करैक्टर की मालिक है वो औरत। और मेरा जो दिल है वो टूटा सिर्फ माँ बाप के जाने के बाद ही टूटा है, उसके बाद मेरा दिल कभी नहीं टूटा और ना मैंने किसी का दिल तोड़ा है कभी। सही, इतना ग्रेट स्टेटमेंट, इतना कमजोर दिल नहीं है कभी। सही सही। अच्छा शायद ही आप बताएं, बॉलर यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग टू फेस विद द न्यू बॉल? आई कैन से एमेग्रा। सही सही। आपका यूसुफ भाई ड्रीम क्रिकेट कॉम्बिनेशन क्या है? 5 प्लेयर्स में भी आप डाल सकते हैं, आप 11 को टीम बनानी हो 11 प्लेयरों की तो आप टीम किनको बनाएंगे? तो बड़ा लंबा टाइम नहीं चाहिए होगा? नहीं खैर आप ले जाइए, आप पुराने प्लेयर्स भी डाल सकते हैं, नए भी। आप तो पुराने डालेंगे सारे मिक्स करके। ओपनर तो सचिन, सही। 7 सईद भाई, सही। 3 पे ब्रायन लारा, 4 पे विव रिचर्ड, ठीक है, सही। 5 पे रिकी पॉन्टिंग, 6 पे कैलस, सही। इंजी भाई किधर गए? इंजी 6 पे, ठीक है, सही। कहां फंस गया, कहां फंस गया? ये ड्रीम टीम चल रहा है ये बात नहीं है, ग्रेट प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं, हमेशा दो नाम लिए जाते हैं। मैं आप पाकिस्तान की तरफ से सईद और इंजमाम अलग, लेकिन अब ये टीम बना रही है सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए इंजी भाई, हमेशा हम ऐसा बहुत अच्छे रहे हैं, ये तो छोटी मोटी। वसीम अकरम, शेन वॉन, अच्छा जी मेलकम मार्शल को पता नहीं किसी ने देखा हुआ है कि नहीं, आप अपनी टीम आ, अच्छा क्या क्या आ गया, कैलस आ गया, वसीम अकरम आ गया, शेन वॉन आ गया। दो मेरे एज ए कैप्टन मैं इंजी को रखूं, आप कामयाब आदमी है इस दौर के, यकीन माने। अच्छा मेरा अगला सवाल ये था कि आपका क्रिकेट में सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था? मैं एक तो मैंने आपका बता दिया वैसे के जो आउट हो गया। ओ आगे तो सुना नहीं रहा, अच्छा नहीं सुना रहा, क्यों प्लीज क्या क्वेश्चन क्या है? तो एंबैरेसिंग मोमेंट कौन सा था? एंबैरेसिंग मोमेंट यूथ हेरोस्टेस वाले आप करीब गए थे मजाक है, सारे सारे मजाक हो रहे हैं। यार देखो हर किसी का एक पास होता है, ऐसा नहीं है, नाउ यू गाइस आर चेंज्ड पीपल, यू नो, एक ऑब्वियसली एक इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन। अच्छा एंबैरेसिंग सिचुएशन जो मेरी थी यूथ वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बारिश हुई थी, बॉल मैंने किया था और मैच हम फंसा हुआ था, तो मैंने विकेट कीपर और बैट्समैन के ऊपर से बॉल करके बाई का तिक्का करवा दिया था, वो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा बॉल नहीं किया था कि फुल टॉस हो जाता है, मगर कीपर और बैट्समैन के ऊपर से मैंने बॉल फेंक दिया था, एडिलेड की बात है, ये यूथ वर्ल्ड कप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, और फाइनल हार गए थे हम वो ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, तो बड़ा एम्बैरेसिंग। शायद आपकी कौन सी फेवरेट राइवलरी रही है क्रिकेट में? क्रिकेट में फेवरेट इंडिया के साथ ही, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान। अच्छा यूसुफ भाई आप बताएं, आपकी टीम में आपके टाइम में कौन सबसे बड़ा प्रैंकस्टर था जो लोगों के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ी करता था या मजाक करता था? ये खुद ही तो हम तो डरते थे इससे, कोई पंगा नहीं लेता था। यूसुफ, शोएब मलिक, अल्लाह माफ करे, उफ ये पीछे किसी के पड़ जाते थे ना, घर तक छोड़ के आते थे। आगे आंखें मारी जा रहा
अभी यूसुफ बताना यार, सईद भाई का क्या करेंगे, वसीम भाई का क्या करेंगे, सईद भाई की जगह यूसुफ ने ले ली थी, सही सही, और वसीम भाई की जगह सही। वैसे शायद एज ए कराची होने के नाते योर पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो वेरी गुड एक्चुअली। नहीं, इसको रजाक ने तैयार किया ना, ड्रामे दिखा दिखा ऑस्ट्रेलिया में क्या करते थे मैं और रजाक यार, हमें सब अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्में भी बड़ी जबरदस्त लगी हुई थी मेरी और रजाक की, तो मुझे वो सारे स्टेज के ड्रामे, मुझे मैं जो पंजाबी समझता हूँ मुशी भाई सिर्फ ड्रामों की वजह से, वो मुझे कमरे से निकलने नहीं देता था, मैं और वो पूरी पूरी रात ड्रामे देख रहे होते थे पंजाबी। लोग न्यू ईयर बनाने गए हैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, तो मैं और वो पंजाबी के या अमानत चंद ठाकर ये सारे जितने भी थे ड्रामा मिस करता था ना, तो उसको उल्टी आ जाती थी। इतने ड्रामे दिखाए उस बंदे ने मुझे। आपको एक बहुत बड़ी बात है टू चेंज योर ओन रिलीजन, यू नो, तो ऐसा कुछ आपको कुछ तो क्लिक हुआ होगा, एक बहुत कुछ पावरफुल चीज हुई होगी आपके साथ जो आपने इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ऐसा क्या था? मैं एक्चुअली शुरू से मुसलमान लोगों में रहा हूँ, जहाँ हम लोग रहते थे सिर्फ हमारा घर गैर मुस्लिम था, बाकी सब मुसलमान थे, लेकिन वो भी जुमे वाले दिन मस्जिद जाते थे, मैं भी चर्च इतवार वाले दिन जाता था, तो हुलिया भी एक जैसा था, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही कह लें आप। लेकिन ये सईद भाई चेंज हुए हैं ना, सईद भाई को मैं वैसे बहुत पुराना जानता हूँ, 1990 से जानता हूँ, उसका भाई और मैं दोनों इकट्ठे कॉलेज में खेलते, उस वजह से मेरा उनके घर आना जाना अभी तक वैसे ही है। तो सईद भाई अब चेंज हुए हैं, और उन्होंने जैसे अभी मुशी भाई ने बताया कि उसने हुलिये की वजह से उसने पूछा ज़रिया क्या बनेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जो हैं वो आप हमारे पास हैं, वो सईद भाई ने अख्तियार किए। जब मैंने उनको वो देखा तो मुझे फिर एहसास हुआ कि ये चीज़ सही है, सही। तो मैंने फिर सईद भाई के हाथ पे कलमा पढ़ा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको मोइन खान का वो क्या किस्सा है, जो मोइन खान ने आपसे पैसे लिए थे या कुछ इस तरह का कोई किस्सा है? नहीं, वो मैं कोई वो जो आप किसी ने जा रहे थे आपका शो है, आप डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स समय है वो। अच्छा क्या था सवाल? मोइन खान ने आपसे पैसे लिए। अच्छा नहीं, रात को मैं लेट आया तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, कहाँ से आए थे मुशी भाई? पता नहीं, खाना खा के आए थे, तो मैं किसी के पैसे देने थे, तो बाहर तो 9 बजे दुकानें और रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाते हैं, वो डेली अलाउंस मेरा खत्म हो गया था, मैंने शॉपिंग कर ली। ये वाली बात इंजी भाई ने भी बताई हुई है। अच्छा, तो आप बोलेंगे तो काका तो गवाह बैठा हुआ है यहाँ पे, बात बताई हुई है ये। अच्छा अच्छा, चलिए कंटिन्यू करें कैसे रहे थे? अच्छा नहीं, कसीनो से नहीं आ रहा, वो खाना खुने के पैसे देने थे लड़कों के, शेयर करके खाना खाते हैं ना, तो वो मोइन को मैंने किया, मोइन कहता उस जल्दी सो गया, थका हुआ था, तो मैंने फ़ोन किया, तो मोइन नीचे से, मैं कहा मोइन, कहता है कौन, मैं कहा मुशी, वो कह रहे यार ये वो टाइम है 11 बज गए थे मेरे ख्याल को, मैं सो रहा हूँ तू मुझे उठा रहे हो, तो आगे से कहता है कि, मैं कह यार मुझे पैसे चाहिए, 100 पाउंड चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी है, तो आगे से कहता है कि नहीं यार मैं सो रहा हूँ, मैं कहा मुझे वो भी चाहिए, खैर उसके साथ दोस्ती यारी इतनी थी वो ना नहीं कर सका, उसने कहा अच्छा 438 में आ जाओ, जबकि उसका कमरा 238 था, तो उसने 438 में मुझे जान के कह दिया, वो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी शायद की तरह ना, वो कराची में रहते हैं मगर पंजाबी को बहुत अच्छा समझ। मैं कहा मोइन यार कमरा नंबर 10 की है तेरा कमरा नंबर, कहता है 438 438 आ जा। मैं 438 में गया, 11 बजे बेल दी, तो आगे अंदर से आवाज़ आई, 2 के बेलें दी, मैंने दरवाज़ा खड़खड़ाया जोर जोर से, तो आगे से अंदर हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, तो आगे से मैंने कहा मोइन हूँ तू सानू इंग्लिश दसेंगा, तू साढ़े अब मुझे बताएगा कि इंग्लिश का एक्सेंट क्या होता है, तो जब उसने ये कहा ना, आगे से मैंने कहा मोइन हूँ सानू दसेंगा इंग्लिश की होता, कहता हू द हेल इज देयर, उसने और गुस्से से कहा, तो मैंने कहा मोइन जान देना यार तेरा एक्सेंट वो गोरिया तरह लग रहा है पर है नहीं तो गोरा, और 5-6 मिनट में वो जोर जोर से खड़काना शुरू कर दिया। जब मैंने दरवाजा खुला तो मैं आगे अंदर जाने लगा हूँ, तो आगे गोरे ने गौन पहना हुआ बेचारा नींद के मारे और मुझे ऐसी आंखों में आंखें दिखी, मैंने आगे से कुछ नहीं कहा, मैंने स्प्रिंट लगाई अब लिफ्ट की तरफ भाग गया हूँ, तो वो सारा सीन हो, उसने बदला ले लिया मुझे उठाने का, एक्चुअली ये था सीन उसका। ऐसा क्या गिल्टी प्लेजर फूड है आपका जो आपको नहीं खाना चाहिए लेकिन आप फिर भी खाएंगे? मैं अगर सामने बिरयानी पड़ी हुई है ना, मेरा हाथ नहीं रुकता बिरयानी से, सेम नहीं, और जब खा लेता हूँ ना एक दफा फिर कहता हूँ क्यों खाई मैंने। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मेरे आगे तो कोई भी अच्छी चीज आ जाए ना फिर वो सामने आ जाए तो फिर मैं खा लेता हूँ, सही, सामने नहीं, अगर वैसे अगर ना हो तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, सही। और आपका क्या है? मैं बिरयानी, बिरयानी बिरयानी वो भी आलू और चिकन वाली। एक चीज मिस कर रहे, क्या बताएं जी? क्या भला एक चीज और भी खा लेते हैं क्या?
अच्छा मार डांट तो डांट मार तो नरगिस से कही थी ये की इशारा नरगिस ने मारा था नहीं बताएं कौन आई थिंक लैला थी लैला नहीं थी लैला थी आप बेटे और आपको पता होगा और बेटे के सामने लैला से पिटे हो लैला कौन होती है ये एक्टर थी कि सिंगर थी आई थिंक एक्टर थी एक्टर उससे मार खाई आपने मुशी भाई आई एम सॉरी अल्लाह अल्लाह कैन फॉरगिव देम बोथ ऑफ देम दे आर मेकिंग अ सिन ऑन मी बहतान लगा रहे हैं मुझके ऊपर कोई ऐसा मैंने तो कहा ही नहीं मैंने कहा घर से डांट पड़ती है बात हुई थी मगर कैसे सच्चा वाकया कोई नहीं था वैसे अब आखिरी सवाल है वन वर्ड आंसर अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई फिल्म बननी होती या कोई मूवी बननी होती तो आप उसका नाम क्या होता या बुक बननी होती इवन अभी तो मेरी तरफ से नहीं हो सकती फिल्म नहीं की बुक चले आपके ऊपर एक बुक लिखी जा रही है उस बुक का नाम क्या होगा क्या होगा गेम चेंजर गेम चेंजर तो हो गई है ना वो तो मेरी आ चुकी है गेम चेंजर काका की एक जबरदस्त सी काका की आया एकदम पूछ लिया आपने और पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हम क्या बताएं चले आप उदित इनसे आप बताएं आई थिंक किताब ग्रेग वो होना चाहिए तो मुशीबा का 2020 विजन आपका वो होना चाहिए आपका बड़ा तकिया कलाम भी ऑल गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस हां 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 थैंक यू वेरी मच और आपका गेम चेंजर आपका तो है गेम चेंजर सही गेम चेंजर आपने कुछ सोचा स्टिल वेट सही देयर इज अ लॉट मोर टू कम सही थैंक यू गाइस बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके दिस वाज अ गुड नाइस स्नीक पीक इनटू योर लाइव्स एंड पर्सनालिटी कुछ मेरे ख्याल से नहीं भी होनी चाहिए थी मिलनी चाहिए थी नहीं प्लीज कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए मैं बता रहा हूं थैंक यू सो मच गाइस बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके हम लोगों को थोड़ी सी आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक थोड़ा सा झांकने को मिला दैट वॉज इट गाइज बहुत मज़ा आया इन लोगों से बात करके आप हमें कॉमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट गेस्ट किन को देखना चाहते हैं एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग शेयर लाइक सब्सक्राइब थैंक यू सो मच